जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपकी कुछ बातें उन्हें दीवाना बनाती है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। लव रीडिंग है इसलिए तीन लव और एकल डेक है और साथ ही साथ लेंगे टैरो भी, तो चार डेक में से लेंगे चार चार कार्ड। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि कोई आपके प्यार में दीवाना है, यानी कि आपकी कुछ बातें हैं जो उन्हें दीवाना बना देती है, तो पहले ही कार्ड से हमें पता चलता है कि आप इनसे जितना प्यार करते हैं उस प्यार के एहसास को ही ये दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाते, यानी कि प्यार की जो खूबसूरती है वो ये आप ही की वजह से समझ पाए। जैसे उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने उनकी कोई विश ग्रांट की है जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में ऐसे बे इंतहा प्यार करने वाला इंसान मिला है। तो आपका प्यार करने का जो अंदाज़ है, मतलब छोटे मोटे एक्सप्रेशन ही सही, टेक्स्ट मैसेजेस हो, कॉल करना हो, इस पर्सन से अपने दिल की बातें शेयर करना हो, वो अंदाज ही इन्हें आपका दीवाना बना देता है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपसे जब भी ये बातें करते हैं इनके सभी सवालों के डाउट दिलो दिमाग से हट जाते हैं। जैसे यहाँ पे आसमान में क्लैरिटी छा जाती है जब बादल हट जाते, वैसे ही आपसे शायद बातचीत करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होता है। मतलब आपका कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यानी कि आपकी सूझबूझ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं या फिर आपके जो फैसले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ होते हैं। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये अकेली है फिर भी ये अकेलेपन में इस बर्ड से बातें कर रही है और इस वजह से ये रिप्रेजेंट होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, यानी कि आपका दिल बहुत साफ है, आप सबके बारे में सोचते, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी और घर को भी। तो हो सकता है कुछ लोग हैं जो करियर को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के मेहनत करके सीरियसली लेने वाले इंसान हैं, यानी कि अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो मेल पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है, थोड़ा सा वर्कहॉलिक नेचर भी उनका हो सकता है, यानी कि काम के प्रति एक अलग ही तरह का डेडिकेशन उनके अंदर है। मतलब जो ठान लिया वहाँ तक जब तक पहुँच नहीं जाएंगे, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे,
तब तक वो पर्सन रिलैक्स नहीं कर पाता, मतलब इतना डेडिकेटेड है, जिस वजह से इन्हें पसंद है वो डेडिकेशन। साथ ही साथ आपके दिलो दिमाग में अपनी फैमिली को भी लेके काफ़ी कुछ चलता रहता है, आपको अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा परवाह है, ये भी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और उन्हें ऐसा लगता है जब आप इनकी फैमिली में शामिल हो जाएंगे एज हिज और हर लाइफ पार्टनर, तो फिर कहना ही क्या है, मतलब वो सब केयर इनको मिल जाएगी। तो खुली आंखों से ये सपना देखते हैं। फिर है नाइन ऑफ कप्स, 2 बार 9 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ये विश कार्ड है तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसको पता है कि बहुत जल्दी ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने वाला है, जहाँ पे कपल होता है, किड्स होते हैं, एक प्यारा सा घर होता है। तो ये पर्सन आपके साथ घर बसाने का सपना देख रहे हैं और उन्हें पता है कि यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हिम और हर। तो आपके अंदर जो भी खूबियां है, ये इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने खास उनके लिए ही आपको चूज करके धरती पे भेज दिया है, इतना ज्यादा वो आपको पसंद करते हैं। अब देखते हैं वजह क्या है आखिर, मतलब क्या क्या बातें हैं जो इनको दिलो दिमाग में आती होगी, जिस वजह से ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव मेड फॉर मी एंड फॉर अवर रिलेशनशिप। तो अब तक आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वो इस पर्सन को दिमाग से जाते नहीं है। यानी कि हो सकता है कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आप दोनों ने इस रिश्ते में देखे, फिर भी आपने इस पर्सन का साथ सच्चे दिल से निभाया है, जो बात इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है आपके बारे में। फिर है यू आर माई बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि विश कार्ड है ये, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही है वो उनका सपना जो सच बन के हकीकत बन के उनकी जिंदगी में आया है। यानी कि आपको एक ऐसा सपना मानते हैं जो शायद ही कोई कहता है कि मैंने जो सपना देखा है वो ख्वाब मेरे पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप वही खूबसूरत सपना है जो उन्होंने चाहा था कि काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए और आप उनकी जिंदगी में आ गए। फिर है यू आर सो एडोरेबल, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है उन्हें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हैं। अगर आप घर में सबका ख्याल रखते हैं, पेट्स को भी लेके आपके दिलो दिमाग में प्यार उमड़ता रहता है, तो आप प्यारे इंसान होंगे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही प्यार उनके दिल में भी आपके लिए आता है, क्योंकि उन्हें एहसास है आपके जज्बातों का। नेक्स्ट है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी, तो आप जैसे भी हैं आप इस पर्सन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आपके पर्सन की बात आपको गलत लगे तो आप हिचकिचाते नहीं वो बात कहने में कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन के ले ली, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये सही फैसला होगा, या फिर मेरा ये ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है ये सही है या फिर ऐसा ठीक नहीं है। तो आप अपने आप को भूलते नहीं हैं, भले ही इस पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यानी कि हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, और ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपके बारे में ये पसंद करते हैं। फिर हैं आई फील हार्म व्हेन आई एम नॉट विद यू, तो जब भी आपके साथ ये नहीं होते इन्हें बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपकी कंपनी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, जो भी टाइम ये आपके साथ स्पेंड कर पाते हैं, भले ही आप किसी रेस्टोरेंट में मिले, किसी गार्डन में, या फिर थोड़ा बहुत वॉक के लिए भी जाए, लेकिन वो टाइम इनके लिए खास रहता है, क्योंकि उन्हें उस वक्त ज़िंदगी की सभी खूबियाँ खुशियाँ मिलती है, ऐसा महसूस होता है। फिर है यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन आई एम इल, तो कई बार इस पर्सन की हेल्थ इश्यूज भी शायद आपने हैंडल किए हैं और आपने ये उन्हें हमेशा एहसास दिलाया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आई एम ऑलवेज विथ यू। तो खुशियों में तो हर कोई किसी का साथ देता ही है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद इनकी हालत ठीक नहीं थी, जैसे अभी पिछले कुछ सालों में हमने कोविड का फेज भी देखा, तो हो सकता है उस वक्त भी इस पर्सन ने अपने तरीके से आपके कनेक्शन में रहने की कोशिश की, या फिर आपका हाल चाल पूछते रहे कैसे हो क्या है, या फिर कुछ लोगों के अगर छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज भी उस वक्त भी चल रहे थे, तो भी इस पर्सन ने अपने तरीके से उन बातों को हैंडल किया है, जो बातें इनके लिए आज भी दिमाग में इम्पोर्टेंस रखती हैं। फिर है योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो आपका नेचर शायद इस तरह का है कि आपके अपने सपने तो है ही, लेकिन आप साथ ही साथ सामने वाले पर्सन के सपनों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि अगर इस पर्सन का कुछ सपना है, कुछ गोल है, उसको वो अचीव करना है, तो आपको आपका ये नेचर है कि आप उसके उस सपने में
अपनी तरफ से इतना सपोर्ट करते हैं कि वो अपने गोल तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए, भले ही आपका वहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं है, फिर भी आप सेल्फलेस होके उस पर्सन की हेल्प करने लगते हैं। ये बात उन्हें आपके बारे में बहुत ज्यादा पसंद है। और नेक्स्ट है, आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। तो शायद आप इस पर्सन को कभी रूठे हुए हैं तो मनाते वक्त आपने शायद इनके बालों में अपना हाथ फिराया है, और ये पर्सन उस लम्हे को याद करके आपकी बातों को मिस कर रहे हैं कि उन्हें शायद उस पल आपके लिए दिल में इतना ज़्यादा प्यार फील हुआ कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। मतलब छोटे छोटे गेस्चर हैं, आपका ये केयर करने का अंदाज है जो उन्हें बहुत ज़्यादा खास लगा है। फिर है, आई लव यू बिकॉज यू गिव मी पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो जब भी इस पर्सन को थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है तो आप उन्हें वो स्पेस देते हैं, यानी कि आप ऐसे पर्सन नहीं है कि फ़ोन करते जा रहे मैसेज करते जा रहे, क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों नहीं मैसेज कर रहे। अगर आपने कुछ पूछताछ की है इस पर्सन को, मतलब हाउ इज़ योर डे, और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो शायद आप समझ जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ शायद गड़बड़ है, इसको शायद थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और आपने उन्हें वो वक्त दिया है, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ इशूज से डील करता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लव वन को हर एक बात बताओ। तो ऐसी कुछ बातें शायद आपके दिलो दिमाग में काम को लेकर अगर चलती रहती है, फिर भी इस पर्सन ने हमेशा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, और जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, यही अंडरस्टैंडिंग उन्हें दीवाना बनाती है। फिर है, आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई डू नॉट हैव टू चेंज हु आई एम फॉर यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू लाइक मी जस्ट द वे दैट आई एम। तो ये जैसे भी है, मतलब काम करना अगर इन्हें पसंद है, या फिर अगर ये फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इनका नेचर थोड़ा सा वर्कोहलिक हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाला भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि दिल तो उनका बहुत साफ रहता है लेकिन कभी कभार बिना सोचे कुछ बातें बोल देते हैं। तो ऐसी भी बातें अगर कभी आपने अपने पर्सन की तरफ से सुनी है तो भी आपने उन बातों को अच्छी तरह से हैंडल किया है, और आपने कभी अपने पर्सन को नहीं कहा कि तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा, आई डोंट लाइक दिस थिंग। तो आपने उनके अंदर कोई भी बदलाव कभी नहीं डिमांड किया, जो बात इन्हें बहुत मैटर करती है कि आपने उन्हें वो जैसे है वैसा ही दिल से एक्सेप्ट किया है, और ये बात उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा दीवाना बना रही है। फिर है, आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नोबडी एल्स एवर हैज एवर डन बिफोर। तो यहाँ पे पहले ही कार्ड में हमें पता ही चल गया था, लवर्स के कार्ड में, कि प्यार का जो कनेक्शन आपके साथ इन्होंने फील किया है, वो एहसास ही उन्हें लगता है कि आप ही की वजह से वो समझ पाए। जैसे छोटी छोटी बातों में ख्याल रखना, दिन भर में भी छोटे छोटे मैसेजेस के जरिए ये एहसास दिलाते रहना कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, इसी को तो कहते हैं प्यार। प्यार मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आप बड़े से एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो, या फिर कुछ ऐसा डायमंड रिंग एक्सेट्रा कुछ चाहिए। प्यार जो होता है वो एक दूसरे की परवाह करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन परवाह दिखनी चाहिए, या फिर वो केयर भी रिश्ते में इम्पोर्टेंस रखती है सबसे ज़्यादा, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और हर एक के डिसीजन को हमें रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और जब हम सामने वाले पर्सन के डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास भी होता है कि हाँ हमारे भी डिसीजन की क्या वैल्यू है। मतलब जो स्पेस ज़रूरी होती है वो अगर रिश्ते में कोई एक दूसरे को ना दे तो उसी रिश्ते में सफोकेशन फील होने लगता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन शायद आपके दीवाने हैं कि आप में वो हर खूबियाँ हैं जो शायद इन्होंने कभी चाही थी। कि ऐसा पर्सन तो सिर्फ सपनों में ही होता है, रियलिटी में तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग या फिर ऐसा प्यार करने वाला कोई मिलता नहीं है, लेकिन आप उनका वो सपना है जो हकीकत बन के उनके सामने आए हैं। और फाइनल कार्ड है, आई लव यू बिकॉज आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ यू विल जज वॉट आई हैव टू से। तो जैसे यहाँ पे बात आ रही है अंडरस्टैंडिंग की, तो ये जब भी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि आपके सामने वो बात रखे या ना रखे, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके सामने रख सकते हैं। वहाँ पे उन्हें पता है कि आप उनकी बातों को जजमेंट यानी कि वो रिएक्शन नहीं देंगे कि तुरंत आपने कुछ कह दिया उस बात के ऊपर,
मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ शेयरिंग करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन का ओपिनियन हमें चाहिए, बस कोई हमारी बात सुन ले, कोई हमारे जज्बातों को समझे। इस तरह की भी एनर्जी कई बार इन्हें फील होती है और हमेशा इन्होंने पाया है कि आपने हमेशा इनकी हर एक बात सच्चे दिल से सुनी है, आपका उसमें कोई भी फायदा नहीं होता, फिर भी आपने वो शेयरिंग इतनी अच्छी तरह से हैंडल की है कि इनको ये हमेशा एहसास हुआ है कि उनके दिल में जो भी बर्डन होता है, दिमाग में जो भी बातें होती है, जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, वो आपसे बातें डिस्कशन करने के बाद रिलीज हो जाता है। और उसके बाद आपका ऐसा रिएक्शन होता है कि मतलब आपने अपने तरीके से उस पर्सन को समझ के लेते हुए कोशिश की कि आपकी वजह से उस पर्सन को उन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, और आपने इस बात का क्रेडिट भी नहीं लिया, ना ही आप शायद कभी लेते हैं, और यही बातें शायद इस पर्सन को आपका दीवाना बना रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।